नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूँ आपका मित्र और कहते हैं आपका घोष और घोष उदर शुक्ला आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल उज्जवल कॉमर्स विस्टा पे। ये तो मेरा रोज का तरीका है आपका वेलकम करने का। और कहते हैं ना कि रियल फीलिंग्स को किसी शब्द की जरूरत नहीं, खैर वो फिलोसफी है। हमारे पास फिलोसफी का टाइम नहीं है, मेन हमारे पास जो टाइम है वो है आप पढ़ाई करने का। तो आपकी पढ़ाई करवाना मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है और उसमें मेन चीज ये है कि आप जितने भी हाई स्कूल पास लोग हैं सबसे पहले उनको ढेरों बधाई मेरी तरफ से। आपने अपने आप को प्रूव किया कि आप हो। इनफैक्ट हर स्टूडेंट अपने में एक इंडिविजुअल है और अपने कोई कुछ क्वालिटी जरूर रखता है। हम मैंने देखा है कई लोग जो है कॉमर्स को बड़ा इंफीरियर मानते हैं। क्यों मानते हो भाई कॉमर्स को इंफीरियर? क्या वही कॉमर्स आपको भी नहीं अट्रैक्ट करता? कॉमर्स का मतलब सिर्फ डेबिट क्रेडिट और पर्सनल रियल नॉमिनल नहीं है। कॉमर्स का मतलब है एक ऐसा वर्ल्ड जिसमें हम सबके सब एग्जिस्ट करते हैं। हमारे जो भी फील्ड है, जो भी स्ट्रीम है, हम सबके सब एक ही चीज पे फोकस करते हैं, वो है क्या है? पैसा। मैं ये भी नहीं कहता कि सिर्फ कॉमर्स पढ़ने से ही आपको पैसे की जानकारी होती है, आपको हर एक फील्ड में पैसे की जानकारी दी जाती है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप बीटेक हो, बीबीए हो, बीसीए हो, बीएससी हो, बीए हो, कुछ भी हो यार, बीकॉम हो, जो भी तुम्हारा कोर्स है उससे कॉमर्स का बहुत ज्यादा लेन देन है, मतलब लेना देना है। ये कहने का मतलब यानी पैसों का बहुत बड़ा, उसका बहुत बड़ा फैक्टर है। आज मतलब कोई भी छोटा बच्चा जब पैदा होता है उसको माँ बाप उसको पालते हैं, बड़ा करते हैं, उसको शिक्षा मतलब एजुकेशन दिलवाते हैं सिर्फ एक ही चीज के लिए कि वो कमाना शुरू करे, अपने पैरों पे खड़ा हो। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? पैसे कमाने हुआ ना, कि और कुछ हो गया? हाँ ठीक है, कुछ लोग नौकरी के लिए नहीं बनते, सो कहते हैं मुझे नौकर नहीं बनना, नौकरी नहीं करनी, मैं अपना बिजनेस डालू। चलो मान लिया तुमने अपना बिजनेस डालना, लेकिन एक ही चीज का तो ऑब्जेक्टिव है, पैसे तो कमाना चाहते हो, चाहे वो बिजनेस से कमाओ चाहे किसी के यहाँ जॉब करके कमाओ, है ना? तो मेन चीज यही है कि आप जितने भी हाई स्कूल पास स्टूडेंट्स हैं या ट्वेल्थ पास स्टूडेंट्स हैं या जो इलेवेंथ में एडमिशन ले चुके हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एडमिशन हो चुके हैं क्योंकि अप्रैल में शुरू होता है। और इस समय जितने भी मेरे छोटे छोटे मोटे दोस्त हैं जो कि इलेवेंथ ट्वेल्थ में है या हाई स्कूल निकाल चुके हैं और इलेवेंथ में उन्होंने कॉमर्स लिया है, उनके लिए मेरे ये बेसिक ट्यूटोरियल वीडियोस काफी काम कर सकते हैं। क्योंकि आप में से कुछ लोग, मैं जानता हूँ, कोचिंग भी ज्वाइन किए होंगे फाउंडेशन क्लासेस के लिए और वहां पे आपने पे किया होगा, ये भी मैं जानता हूँ। मैं भी शायद 5-6 हजार रुपए पे किया हो या साल भर का पैकेज लिया हो, जो भी आपने किया हो, मुझे उसे लेना देना नहीं। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप जो हम मोटी मोटी फीस देकर पढ़ रहे हो ना, मैं वही चीज आपको यहाँ यूट्यूब चैनल के थ्रू पढ़ा सकता हूँ और बहुत इजी में पढ़ा सकता हूँ। बस एक ही चीज की इन्वेस्टमेंट है आपकी, एक एंड्रॉइड फोन जो कि आप सबके हाथ में इस समय। मैं जानता हूँ तरीके से 8th क्लास का बच्चा जो है वो अपने फोन में, वो अपने हाथ में एंड्रॉइड फोन लेके चलता है, वो भी कोई छोटा मोटा फोन है, एप्पल का आईफोन या वीवो ओप्पो जितने भी कंपनी सबका लेके चलता है। तो मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक ही चीज कह रहा हूँ कि जो आपको कोचिंग क्लास में या फाउंडेशन क्लास में आपको मिल रहा है वही सेम चीज मेरे चैनल पे भी आपको मिलेगा। इनफैक्ट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उसे बेटर दे पाऊँ आपको और अच्छे से समझा पाऊँ, इसीलिए थोड़ा बहुत बीच में आपको एक छोटा सा लेक्चर मुझे देना पड़ता है कि आप मेरे वीडियोस भी फॉलो करके देख सकते हो और अपने दोस्त या जो भी आपके रिलेटिव हैं जिन्होंने कॉमर्स लिया हुआ है उन्हें भी इसको रिकमेंड कीजिए, उन्हें भी इसका लिंक भेजिए, रेफरेंस दीजिए और आप जिस तरह से फायदा ले रहे हो वैसे उनको भी फायदा पहुंचे। ठीक, तो चलिए ये तो हुआ मेरा एक प्रमोशनल स्पीच। अब इसके बाद आपके लिए आज जो नया कंसेप्ट लेके आया हूँ वो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का। पिछले वीडियो में मैंने आपको अकाउंटिंग कंसेप्ट, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग और भी बहुत कुछ बताया हुआ है। आज जो मैं टॉपिक लेके चला हूँ वो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का, जो मैंने बोर्ड पे भी लिखा हुआ है। इसके बारे में सिर्फ एक ही चीज बेसिक बताऊंगा, ये कि प्रिंसिपल का मतलब होता है ऐसी प्रैक्टिसेस या ऐसे यूसेजेस या ट्रेडिशन कस्टम से जिनकी मदद से हम आज तक चीजें करते हुए चले आते हैं, है ना? आपकी जनरल लाइफ में भी आप कुछ ऐसे ट्रेडिशन या कस्टम फॉलो करते हो जिनकी वजह से आपकी लाइफ इजी बनती है, सॉफ्ट बनती है, स्मूथ गोइंग बनती है और आप दूसरों के साथ कहते ना कंधे से कंधा मिला के चल पाते हो। तो भले बस देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल सिर्फ कॉमर्स में, यानी प्रिंसिपल वर्ड जो है इंडिविजुअल प्रिंसिपल वर्ड है ये आपके सिर्फ अकाउंट से कॉमर्स लगता है ना।
प्रिंसिपल वर्ड आपके हर एक फील्ड में लगता है बॉस, चाहे वो आर्ट्स हो, साइंस हो, मैथ्स हो, कोई भी फील्ड हो, सब जगह में आपके प्रिंसिपल्स लगते हैं। प्रिंसिपल का मतलब वो मेथड, वो कस्टम, ट्रेडिशन या फिर वो तरीके जो आप अपने लाइफ में अडॉप्ट करते हो कि लाइफ को इजी गोइंग बनाने के लिए। मानते हो ना इस बात को? बस तो यही चीज आपके अकाउंट्स में भी चलती है। और अकाउंट्स में आपके क्या प्रिंसिपल्स हैं उसको बहुत ही शॉर्ट और ब्रीफ में समझाऊंगा, लेकिन बहुत अच्छे से समझाऊंगा। जस्ट वेट, बात की है मैंने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की, तो उसमें कुछ चीजें जो कॉमन है, जिसमें आपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, उसमें मैं कुछ चीजों को फिर से ब्रीफ करके आपको बताता हूँ। आप ध्यान से देखिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में कुछ नहीं आता है, कई दो तीन चीजें नहीं आती है। यूसेज आता है, यानी इस्तेमाल कहाँ होता है, और ट्रेडिशंस आते हैं कि किन किन तरीके से इसको यूज किया जाता है। कस्टम्स आते हैं कि क्या तरीके हैं यूज करने के, ठीक। और हाँ, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज आपके गोल्डन रूल्स, आपके गोल्डन रूल्स भी इसी में शामिल होते हैं। गोल्डन रूल्स का मतलब है आपके वो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स जो मैंने आपको बताए थे, ठीक। मैं भी आपको मेरा जो प्रीवियस वीडियो फॉलो किया होगा तो उसमें मैंने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आपको बताए थे, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ये तीन बताया था। यही आपके गोल्डन रूल्स भी कहलाते हैं। इन तीनों अकाउंट्स के जो रूल्स हैं वो आपके गोल्डन रूल्स इसलिए कहलाते हैं क्योंकि वो एक ऐसे रूल्स हैं जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस में है, यानी इनका जो कहते हैं ना फॉलो करता है, इसको हर कोई फॉलो करता है। मतलब जितने भी कॉमर्स फील्ड से रिलेटेड लोग हैं या नॉन कॉमर्स वाले भी हैं, वो भी इस रूल को कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फॉलो करते ही करते हैं। आप उससे बच नहीं सकते, बचने के सिर्फ आप उसका कोई ऑप्शन ही नहीं ढूंढ सकते यार। देखो क्या जाओ, कस्टम और ट्रेडिशन की बात की हमारे, अगर मैं चलिए मैं कॉमर्स से थोड़ा हट के बात करता हूँ, हमारे हिंदू धर्म में क्या कस्टम और ट्रेडिशन है भाई? शादी वगैरह की अगर मैं बात करूं उसमें क्या है, आप मतलब लड़की देखने जाते हो, लड़की वाले आपको देखने आते हैं, ठीक। उसके बाद बाकी चीजें होती हैं जिसमें लेन देन मतलब डाउरी वगैरह सब होता है। उसके बाद उसमें कई सारी वो होते हैं रिचुअल, यानी रस्में होती हैं जिसमें एंगेजमेंट मतलब सगाई है, फिर शादी है, फिर बहुत कुछ देना पाना होता है रिश्तेदारों में, ये सब होता है, और भी पूजा पाठ होते हैं, तब जाकर कहीं एक पूरी शादी कन्फर्म मानी जाती है, यानी कम्प्लीट मानी जाती है। तो जब हम अपनी शादी में हम इतने सारे कस्टम्स रिचुअल्स फॉलो करते हैं तो सेम इसी तरीके का पैटर्न, यानी सेम मेथडोलॉजी हमारी सब्जेक्ट पे भी जाती है, यानी सिर्फ कॉमर्स ही नहीं आपके अदर फील्ड्स में भी सेम चीज होता है बाबा। अब साइंस की बात करें तो साइंस में हमारे कुछ साइंटिफिक थ्योरीज हैं जिनमें हमारे आइंस्टीन साहब हैं और भी कई लोग हैं जिन्होंने अपने भी थ्योरीज दी, आपके अपने इन्वेंशन दिए, तो भाई उन्होंने जो थ्योरीज इन्वेंशन दिए वो भी किसी ना किसी तरीके से तो निकाली होगी ना, एक दिन में कोई चीज नहीं हो जाती, हम सब जानते हैं। कहावत है रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, यानी एक दिन में कोई चीज नहीं। उसी तरीके से हमारे ट्रेडिशन और कस्टम्स और यूसेजेस भी एक ही दिन में फिक्स नहीं किए गए हैं, उन्हें कई बार ट्राई किया गया, कई बार उनका रिजल्ट देखा गया, अब तक फाइनल जाकर के वो आपके नॉर्मल यानी जनरल प्रैक्टिस में आए, ठीक है। तो यही है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी ऐसे ही चलता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में आपके यूसेज है, ट्रेडिशन है, कस्टम्स है और गोल्डन रूल्स है। इन सभी का इस्तेमाल जितने भी कॉमर्स रिलेटेड स्ट्रीम्स है, मैं उनका नाम भी लिखे देता हूँ कि कौन कौन कॉमर्स के अंडर में आता है, जस्ट स्टेटिंग। अब बात करते हैं उन पर्सनैलिटीज की या उन इंस्टीट्यूशंस की जो कि हमारे ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स उनको यूज करते हैं, यानी आपके गोल्डन रूल्स, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंटिंग कंसेप्ट जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था उसमें मैंने 12 अकाउंटिंग कंसेप्ट बताए थे, उनका यूज भी किया जाता है, ठीक है। और भी जितने भी प्रैक्टिसेस हैं जिसमें पर्सनल डियर नॉमिनल अकाउंट है, उसके रूल्स हैं, उसमें डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये सब कुछ होता है, ठीक। अब उनका इस्तेमाल किस जगह पे कैसे होता है वो जानिए। और ये वो पर्सन है या वो पर्टिकुलर पर्सनैलिटीज है जो कि इनका इस्तेमाल करती है और कैसे करती है इसे जानिए। यही है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और कुछ नहीं है। और बाकी अभी एक और आपका कंसेप्ट बताना बाकी है क्या, में GAAP क्या, इसके बारे में एक शॉर्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, GAAP। अब इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हर एक कॉमन स्टूडेंट को आनी चाहिए या उसे पता होनी चाहिए।
ठीक फिलहाल इसके बारे में बात करते हैं, फिर उस पर जाएंगे। देखिए मेन चीज है कि अगर हम भाई अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का यूज कर रहे हैं या हमने उन्हें बना के रखा हुआ है तो तीन के लिए बनाया है भाई। देखिए सारी चीज यहाँ इस वर्ड में जो भी चीजें हैं वो किसी ना किसी के यूज के लिए बनी है ठीक। नॉन लिविंग थिंग जितनी भी चीजें हैं वो खुद से नहीं चलती ना खुद से कंज्यूम होती, उन्हें कंज्यूम करना पड़ता है। और कौन करता है उन्हें इस्तेमाल या यूज कौन करता है? आप और मैं करते हैं, और कौन करेगा है ना। चाहे वो साइंस हो, आर्ट्स हो, मैथ्स हो, कुछ भी हो, कोई भी फील्ड हो यार, कॉमर्स भी हो, कुछ भी हो, इन सब का यूज कौन करता है? इंसान करता है, वो खुद नहीं होती है, वो खुद में वहीं खड़ी रहेगी। अब अगर जैसे मैं मान लीजिए फोन ये मतलब मेरा जो रिकॉर्डिंग डिवाइस है मैं इससे आपकी वीडियो शूट कर रहा हूँ, अब अगर मैं इस फोन को ऐसे छोड़ दूं इसे कुछ ना करूं तो क्या ये खुद ऑन होगा? मुझे कहेगा अरे तुम्हें वीडियो बनानी है मुझे ऑन करो शूट करो, ऐसा तो नहीं है ना। जब तक मैं इसे कमांड नहीं दूंगा, मैं इसको इंस्ट्रक्शन नहीं दूंगा, क्या ये फोन मेरे लिए शूट करना शुरू करे? नेवर एवर। तो इसी तरह यहाँ सबसे पहले प्रोफेशनल अकाउंटेंट यानी वो अकाउंटेंट है, इसमें आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट आते हैं सीए। हो सकता है आप में से कुछ लोग के पेरेंट या गार्जियन है जो भी है, मामा चाचा ताऊ जो भी है, वो शायद सीए हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, और आप उनके तरीके से जानते होंगे। तो प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स में आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट आते हैं जिनका काम होता है लोगों के द्वारा किया हुआ जो रिकॉर्डिंग होती है उसको चेक करना कि वो कहां तक सही है और कहां तक गलत है ठीक। इसका पता कैसे चलता है? जब वो गोल्डन रूल्स का इस्तेमाल करते हैं, और भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जिनको यूज करके इसका पता लगाया जाता है ठीक। अभी बहुत डीप में नहीं जाऊंगा वरना आपको बाउंस करेगा पूरा, मुझे मालूम है अच्छी तरीके से। जो आप मतलब हाई स्कूल वाले जितने हैं जो कि नॉन कॉमर्स रहे हैं उन्हें ये चीज ऊपर से जा सकती है, तो आपके लेवल के हिसाब से धीरे धीरे उठाऊंगा ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। तो अकाउंटेंट कौन होता है? अकाउंटेंट वो बनता है जो आपके सारे फाइनेंशियल अफेयर्स को रिकॉर्ड करता है, उन्हें बैलेंस करता है और आपके फाइनेंशियल पोजिशन आपके सामने रखता है कि आप प्रॉफिट में हो, लॉस में हो, एक्सपेंडिचर ज्यादा है या इनकम ज्यादा है, ये सब आपको बताता है ठीक। उसी तरीके से प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स भी हायर किए जाते हैं, यानी सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हायर किए जाते हैं कंपनीज में, जो आपकी बैलेंस शीट को चेक करते हैं, उसे वेरीफाई करते हैं, वाउचिंग करवाते हैं, उसकी सब कुछ होता है, फिर साइन करते हैं, है ना। तो प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स भी गोल्डन रूल्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करते हैं। क्यों इनका इस्तेमाल किया जाता है? उसके पीछे भी रीजन है। हर उस प्रिंसिपल का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि आपकी लाइफ ऑब्जेक्टफुल हो, सिंपल हो, यूनिवर्सल एप्लीकेशन हो, और सबसे बड़ी चीज एक्सेप्टेंस हो, यानी वर्ल्ड एक्सेप्टेंस हो, है ना। तो किसी भी प्रिंसिपल का एक्सेप्टेंस तभी होता है जब वो हर एक चीज को कवर करे, यानी हर उस एस्पेक्ट को कवर करे जो आप उसे चाहते हो कि वो कवर करे ठीक है। तो प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स हो गए। कोर्ट की बात करते हैं, कोर्ट मतलब जुडिशियल कोर्ट, जैसे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स होती हैं। इन सब में भी अगर कोई कहते ना अकाउंट से रिलेटेड केस फाइल होता है तो वहां भी जो जज वगैरह बैठे रहते हैं या पूरा पैनल बैठा होता है जज का, वो भी आपके इन्हीं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का सहारा लेते हैं आपके केस को सॉल्व करने के लिए। यानी अगर मान लीजिए मैं अगर किसी फर्म में एज अ पर्सन जॉब कर रहा हूँ और वहां मैंने कुछ घोटाला कर दिया फॉर एग्जाम्पल, तो मेरा घोटाला कैसे पकड़ा जाएगा? क्या वो सीधा मुझसे पूछेंगे? ना वो मुझसे भाई मैं तो झूठी बोलूंगा कि मैंने कुछ नहीं किया, अपने आप को बचाऊंगा। वो करेंगे क्या? इन्हीं प्रिंसिपल का इस्तेमाल करेंगे जो भी प्रोसीजर है, कंसेंट का यूज करेंगे, कन्वेंशन का यूज करेंगे, गैप का यूज करेंगे, गोल्डन रूल्स का यूज करेंगे और फिर मेरी गलती को पकड़ा जाएगा ठीक है। और इन्हीं सब में कुछ मेथोडोलॉजीज है यानी तरीके हैं जिनके थ्रू आपकी चोरी पकड़ी जाती है ठीक। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो रहा होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मतलब गलती अगर पकड़नी है तो वो ट्रेडिशन कस्टम जो कि रूल्स कहते हैं ना, रूल ऑफ थंब, इसको रूल ऑफ थंब भी कहते हैं कि जो रूल ऑफ थंब आपके बने हुए हैं उनके थ्रू आप किसी की गलती भी आराम से पकड़ सकते हो, बड़े आराम से पकड़ सकते हो ठीक। क्योंकि रूल ऑफ थंब एक ऐसी चीज है जिनको चेंज नहीं किया जा सकता, यानी जो वो बन चुके हैं तो बन चुके हैं, पूरी दुनिया उन्हें अंधों की तरह फॉलो करती है कि हाँ भैया कि पर्सनल अकाउंट में डेबिट रिसीवर है, क्रेडिट गिवर है, तो इसे हम चेंज नहीं कर सकते।
रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट है, तो हम इसे चेंज नहीं कर सकते। नॉर्मल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होता है और क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट होता है। तो ये तीन चीजें जब नहीं चेंज हो सकती तो इनके बेसिस पे ये चोरी पकड़ी जाएगी, और कैसे पकड़ोगे, है ना। बस फिर है गवर्नमेंट की बात करते हैं। गवर्नमेंट में भी भाई ऐसा नहीं कि सिर्फ प्राइवेट फॉर्म या पब्लिक फॉर्म में ही अकाउंटिंग होती है, यानी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की एक्सरसाइज की जाती है। आपकी गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट यानी यूनियन गवर्नमेंट हो, दोनों जगहों पर ही आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का यूज किया जाता है, और उसका यूज आपकी मिनिस्ट्रीज करती है। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री हो, एचआरडी मिनिस्ट्री हो, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, कोई भी मिनिस्ट्री हो, कोई भी पोर्टफोलियो हो, सब आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करते हैं। इनफैक्ट इन मिनिस्ट्रीज में जो अकाउंटेंट्स बैठे होते हैं या अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, उनके पास भी इन्हीं सारे गोल्डन रूल्स और प्रैक्टिसेस का नॉलेज होता है, जिसको यूज करके वो गवर्नमेंट को असिस्ट करते हैं डिसीजन मेकिंग। ठीक, इतना क्लियर हुआ। बात करते हैं बिजनेस एग्जीक्यूटिव की। बिजनेस एग्जीक्यूटिव का मतलब है उन एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे हम जो कि आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने और बेटर बनाने और कॉस्ट कटिंग में आपकी हेल्प करते हैं। लेकिन वो कैसे करेंगे, जब उन्हें इन सारे रूल्स का पता होगा कि कैसे यूज किए जाते हैं, तभी तो आपकी हेल्प कर पाएंगे ना भाई, ऐसे तो हो नहीं सकता। ठीक, पेरोल मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, ये एक्चुअली कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड कंटेंट है, यानी आपके मैनेजर जो है आपके लिए हेल्प कैसे करेंगे, वो भाई परफॉर्मेंस देखेंगे और परफॉर्मेंस भी देखेंगे कि कॉस्ट हमारा कितना ऊपर कितना नीचे जा रहा है। ठीक, अगर कॉस्ट मिनिमाइजेशन हो रहा है तो वो हमारे लिए प्लस पॉइंट है, यानी एक अच्छी सिचुएशन। लेकिन अगर वो इन्फ्लेट कर रहा है तो क्यों इन्फ्लेट कर रहा है, इसके बारे में भी जानना जरूरी है ना। तो मेन सिर्फ इतना है कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स का काम सिर्फ इतना होता है कि वो आपके जितने भी प्रीवियस परफॉर्मेंसेस होते हैं उनसे मिलाते हैं आपके करंट परफॉर्मेंस को। अगर आपका करंट प्रीवियस से बेटर है तो दे विल से एंड दे विल एडवाइज यू टू फॉलो द करंट प्रैक्टिसेस इन फ्यूचर आल्सो। बट इफ योर प्रीवियस परफॉर्मेंस वाज बेटर देन योर करंट परफॉर्मेंस, देन दे विल प्रेफर द प्रीवियस प्रैक्टिसेस रादर देन द करंट प्रैक्टिस टू बी फॉलोड इन फ्यूचर। ठीक है, एंड द लास्ट इज टैक्सेशन एक्सपर्ट्स। आपके जितने टैक्स अथॉरिटीज हैं, मतलब सीबीटी सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस, जिस तरह की जितनी भी टैक्स अथॉरिटीज हैं, अपेलेट बॉडीज हैं, इनमें जो टैक्स एक्सपर्ट टैक्सेशन एक्सपर्ट्स बैठे हैं वो भी आपके इन्हीं प्रैक्टिसेस का ही यूज करते हैं। तभी आपके ऊपर कितना टैक्स लगाना है, क्या टैक्स रखा जाए, ये सब कुछ आपको बताया जाता है, यानी वो गवर्नमेंट को बताते हैं, फिर गवर्नमेंट आप पे टैक्स लगाती है। ठीक है, तो इसके बाद जो मेरा अगला पॉइंट होगा वो होगा आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो ऑब्जेक्टिव देखते हैं, उसके बाद मैं गैप एनालिसिस यानी इस पे आऊंगा। ठीक, तो देखते रहिए, सीखते रहिए, बहुत इजी है, बहुत अच्छी चीज है कॉमर्स। मैं किसी पर्टिकुलर फील्ड को डिफेंड नहीं कर रहा, बस इतना कहूंगा कि हम आज भी पढ़ते लिखते सिर्फ इसीलिए है कि जब कॉलेज लाइफ या कहते ना स्टूडेंट लाइफ खत्म हो तो हमारे हाथ में या तो नौकरी हो या फिर कोई बिजनेस हो जिसके थ्रू हम अर्निंग शुरू कर दें। हमारे पढ़ने का एक ही उद्देश्य होता है, एक ही ऑब्जेक्ट होता है कि हमें जल्द से जल्द कमाने वाला बनना है, यानी अर्निंग मेंबर बनना है। तो वो कॉमर्स के बिना हो ही नहीं सकता, चाहे किसी भी फील्ड से रहो, बिना कॉमर्स से आप कुछ नहीं कर सकते, या मैं गारंटी लिख के दे सकता हूँ। क्या, तो बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की, फिर आएंगे क्या एनालिसिस। चलिए, अब आपके सामने रख रहा हूं मैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। सॉरी, मैंने गलती से इसको ऑब्जेक्टिव में बोल दिया था। एक्चुअली ऑब्जेक्टिव एक तरीके से यही है कि अगर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं तो उसके एग्जैक्टली उसकी चरित्र क्या हो सकते हैं या उसका उद्देश्य क्या हो सकता है। वैसे उद्देश्य और चरित्र में काफी अंतर होता है, तो आई एम सॉरी दैट आई मिसस्पेल्ड द हेडिंग। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, पहला है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी या ऑब्जेक्ट तभी क्लियर होता है जब वो चीज इम्पार्शियल यानी कहते ना बिना भेदभाव के किया जाए। अगर मैं भी अगर मान लीजिए आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, या भी अगर मैं ये फेस टू फेस पढ़ाता, मैं सिर्फ लड़कों की तरफ जाता है, लड़कों को देखता भी नहीं या उनकी बातें भी ना सुनता, ये पार्शियलिटी होती ना। एक टीचर होने के नाते मेरा ये काम है कि मैं सारे स्टूडेंट्स को एक जैसा देखूं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो,
है ना। सेम चीज एक्ट पे अकाउंटिंग प्रिंसिपल के साथ भी चलती है। एक्ट पे अकाउंटिंग प्रिंसिपल हर एक तिनके को अपने साथ लेके चलता है, यानी वो हर एक चीज को पॉइंट करता है, हर एक चीज को देखता है, समझता है और तब उस पर एक्शन देता है। किसी एक कहते हैं वन साइडेड होकर काम नहीं करता अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल दोनों साइड देखेगा और फिर देखेगा कि कौन सा साइड मतलब ऑनेस्ट है, कौन सा डिसऑनेस्ट है, ठीक। और ऑब्जेक्टिविटी का एक मतलब और भी है कि हम कभी कभी अपने फायदे के लिए पर्सनल डिसीजन डाल देते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल में ऐसा नहीं होता। अकाउंटिंग प्रिंसिपल में हमेशा रैशनल डिसीजन जाता है और बिजनेस ओरिएंटेड डिसीजन जाते हैं। आपका पर्सनल व्यू या पर्सनल डिसीजन उसमें कभी भी काउंट नहीं किया जाता, ठीक है। अगला है एप्लीकेशन। देखिए एप्लीकेशन का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर कोई चीज भाई ऑब्जेक्टफुल है यानी इम्पार्शियल है तो उसकी एप्लीकेशन यानी उसको कहते हैं ना यूनिवर्सल एप्लीकेशन, बहुत अच्छे से होता है। यानी मतलब उसे हर कोई एक्सेप्ट करता है, हर कोई इसे मान सम्मान देता है, यानी ऑनर प्लस रेस्पेक्ट दोनों देता है, वो एक एप्लीकेशन के सेंस में जाना जाता है। लेकिन जब तक वो चीज इम्पार्शियल में काम नहीं करती, यानी बिना भेदभाव के काम नहीं करती या भेदभाव के साथ अगर काम कर रही है यानी पार्शल हो रही है तो वहां पे उसकी एप्लीकेशन नहीं हो सकती, क्योंकि वो सीधे नकार नहीं कह रहे यार ये तो दूसरों के फेवर में जाता है, हमारे फेवर में तो आता ही नहीं, या अपनी चलाता है, अपने दूसरों की सुनता ही नहीं। उससे कोई सुनेगा? कभी नहीं सुनने वाला, नेवर, कभी नहीं सुनोगे यार। सीधे कहोगे मैं छोड़ो इसको, दूसरे चल जाता है, ठीक। यूज मतलब है हमारे पास ऐसी कई चीजें हैं जिनकी एप्लीकेशन है, जिनका एक ऑब्जेक्टिविटी होती है, जिनकी एक लीगल एग्जिस्टेंस है, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर पाते क्योंकि वो आगे किसी काम की नहीं होती। जैसे हाँ मैं इस पर एग्जाम्पल देता हूं, आप लोगों ने राजा राममोहन रॉय का नाम सुना होगा जिन्होंने सती प्रथा को खत्म किया था। आई होप सो आपको इस चीज थोड़ी बहुत पढ़ी होगी। तो सती प्रथा शुरुआत में बहुत ज्यादा चली थी, है ना। लेकिन राजा राममोहन रॉय ने कहा कि अगर कोई ब्याहता मतलब जो विवाहित लड़की है अगर यंग एज में ही वो विधवा हो जाती है तो उसमें उसकी क्या गलती है, क्यों उसको तुम जला के मारोगे यार, भाई उसको जीने का पूरा हक है। लेकिन पहले के जो नियम कानून थे वो बहुत ही ज्यादा ऑर्थोडॉक्स थे, बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव थे। उन्होंने इसको कहते ना इसका उन्होंने यानी इसे एक्चुअली अंग्रेजी में से इराडिकेशन कहते हैं, इसको तोड़ना। तो राजा राममोहन रॉय जी ने सती प्रथा को इराडिकेट किया और फिर जितनी भी विडोज यानी विधवाएं थी उनका पुनर्विवाह का प्रस्ताव रखा, क्योंकि माना गया और लॉ ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया कि हाँ कि अगर लड़की यंग एज में ही विधवा हो रही है तो उसे दोबारा शादी करने का हक है, ठीक। उसी तरीके से हमारे अकाउंट्स में भी ऐसी कई चीजें हैं जिनका इस्तेमाल आज होता है। यानी पहले एक्चुअली हमारे पास दो तरीके के अकाउंटिंग सिस्टम है, एक सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम है और एक डबल अकाउंटिंग सिस्टम है। सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम ये भी बताता हूं, डबल बताता हूं। डबल मैंने आपको बताया हुआ है। सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम में मेन चीज ये थी कि हम उसमें सिर्फ एक साइड देखते थे, यानी सिर्फ डेबिट देखते थे, क्रेडिट देखते थे। अगर हमारे पास आया तो बस हम ये देखते थे कि हमारे पास आया है, कहां से आया है इसकी हमें कोई परवाह नहीं थी। सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम में ड्रॉबैक्स थे कि उसकी वजह से हमारे अकाउंट को टैली नहीं करती थी, बिल्कुल भी टैली नहीं करती थी। तो हुआ क्या, सिंगल की जगह लुकास एफ पैसियोली, जिनके बारे में हर कॉमर्स स्टूडेंट जानता है, लुकास एफ पैसियोली ने डबल एंट्री सिस्टम का कॉन्सेप्ट लाया और उन्होंने कहा कि हर एक ट्रांजेक्शन चाहे वो कोई भी नेचर का हो, पर्सनल हो, रियल हो या नॉमिनल हो, वो दोनों साइड को अफेक्ट करता है। कौन किसने कहा था? लुकास एफ पैसियोली। ये नाम याद कर लीजिए दोस्तों, यही आपका मेन बेसिक्स है। अभी इसके बेसिक्स भी बताऊंगा, किसने अकाउंटिंग सिस्टम को प्रपाउंड किया, किस बुक के थ्रू प्रपाउंड किया, ये सब बताऊंगा। खैर वो मेरा बेसिक था, मुझे पहले वही बताना चाहिए था, लेकिन मैंने कहा पहले आपको एक बेस समझा दूं, फिर किसने प्रपाउंड किया, कैसे प्रपाउंड किया वो सब बताऊंगा। तो फिलहाल लुकास एफ पैसियोली आपके फादर ऑफ अकाउंटेंसी यानी फादर ऑफ ये अकाउंटिंग माने जाते हैं, जिन्होंने 1494 में इटली पेरिस में डबल एंट्री सिस्टम की शुरुआत की और बुक का नाम था डी कंप्यूटी सेट स्क्रिप्चराइज, जो कि एक मैथमेटिक्स की बुक थी, लेकिन उसमें कुछ पार्ट आपका
कॉमर्स का भी था। खैर अब उसे हटकर मेरे आते यूज में मैं बात कर रहा था, क्या आज हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं? नहीं करते। आज हम लोग किसको फॉलो कर रहे हैं? डबल एंट्री सिस्टम को करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि तो हमें पता है कि डबल एंट्री सिस्टम में हमारे सारे अकाउंट एकदम प्रिसाइज और एकदम क्रिस्टल क्लियर बनते हैं, ठीक। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में हमारे पास डाउट्स रहते हैं, यार यार अगर मेरे पास पैसे आए हैं 5,000 रुपए तो कहां से आए? अगर हमें छोड़ो क्या मतलब है, आ गया ना बहुत है, 5,000 रुपए रखो चुप पे जाओ और अपना काम देखो, ये गलत था ना बिल्कुल। भाई किसने दिया, कहां से आए ये तो पता हो, बस इतना जाने हमारे पैसा आ गया खुश चुप, तो गलत है। और यही चीज लुकास और पैसियोले ने तोड़ी, उन्होंने कहा नहीं हमें डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करना है और इसके अंदर में पैसा अगर आया है तो कहां से आया, कोई तो पार्टी होगी जिसने क्रेडिट किया आपने आपको और हमें डेबिट कर दिया है ना, और अगर पैसा गया है तो किसको गया है ये भी पता होना चाहिए, और हमने हमारे पास से गया है तो हम क्या हो गए, अगला बंदा डेबिट हो गया क्योंकि पर्सन के बीच में हो रहा है तो डेबिट हुए और हम क्रेडिट हो गए। लेकिन अगर हमें सिर्फ सिंगल एंट्री फॉलो करते तो हमारे पास से पैसा गया, हमको इससे कोई मतलब नहीं होता कि किसके पास, लेकिन ये गलत है, डबल एंट्री सिस्टम इसकी परमिशन नहीं देता, ठीक है। तो लास्ट से सिंप्लिसिटी, यानी कोई भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल या कोई भी सिर्फ अकाउंटिंग प्रिंसिपल नहीं, कोई भी प्रिंसिपल हो, कोई भी प्रैक्टिस हो, अगर वो सिंपल नहीं है तो वो पब्लिक एक्सेप्टेंस नहीं पाएगी। यानी देखिए इसी सब बात, आज अगर एंड्रॉइड फोन की बात करो तो एंड्रॉइड फोन में भी एक चीज है, आज मोर देन 70% जो पॉपुलेशन है इंडिया की या वर्ल्ड की वो एंड्रॉइड फोन यूज करती है। क्यों? क्योंकि लोगों ने देखा कि एंड्रॉइड फोन से हमें बहुत सारे फायदे हैं, मेल कर सकते हो, गाना सुन सकते हो, नेट सर्फिंग कर सकते हो, फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर सब कुछ चला सकते हो, एक साथ सारे काम हो सकते हैं और ये मल्टीटास्किंग फोन है। तो जो नॉर्मल कीपैड फोन था वो तो मार्केट से बाहर हो गया ना, उसको पब्लिक एक्सेप्टेंस पहले वही था सबके पास, सिंप्लिसिटी के मामले वही था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी ग्रिप मार्केट से खो दी और किससे पकड़ ली, जिससे मैं शूटिंग कर रहा हूँ आपके लिए और जिसको आप लोग यूज भी करते हो, है ना। तो सिंप्लिसिटी एक बहुत ही बड़ा फैक्टर बन जाता है कि अगर कोई प्रिंसिपल आसान नहीं है, इजी नहीं है, तो कभी भी पब्लिक एक्सेप्टेंस यानी कहते ना जनता का विश्व, जनता का मत नहीं पा सकता, लोग उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, उसे रिजेक्ट करेंगे, सीरियस नकार, ठीक। तो माफी चाहता हूँ, मैंने 2-3 टॉपिक सोचे थे करने के, लेकिन सारा लेक्चर मेरा इसमें चला गया। मिलता हूँ आपसे कल एक नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको गैप के बारे में बताऊंगा, गैप प्लस अकाउंटिंग कन्वेंशन बताऊंगा। तो आई एम सॉरी अगेन कि आज मैं गैप के बारे में आपको ज्यादा कुछ नहीं बता पाया, लेकिन कल की मेरे वीडियो में आपको गैप के बारे में भी बताऊंगा। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक जितना मैंने अभी तक बताया इसको रिवाइज कीजिए, इसको देखिए समझिए, और अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे वीडियो के लास्ट में पोस्ट कर दीजिए, मैं आपको इस प्रॉब्लम का जरूर सलूशन दूंगा। तो मिलते हैं कल, टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू।